दोस्तों, गुरुचेला एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट 3 सॉल्व करेंगे कंप्यूटर या आईसीटी का। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वहाँ से हम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट 3 में भी सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा ईमेल संबंधित शब्द नहीं है? तो आपका ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा, पावर पॉइंट। बाकी सारे जो तीनों ऑप्शन हैं वो आपके ईमेल से रिलेटेड हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, राइट आंसर होगा डाउनलोडिंग। क्योंकि जब हम कंप्यूटर से कोई सूचना प्राप्त करते हैं, रिसीव करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो उसको डाउनलोडिंग बोलते हैं। और दूसरा ऑप्शन जो इसमें दूसरा ऑप्शन अपलोडिंग का है। और हम जब कंप्यूटर में कोई, जैसे फेसबुक पे हम कोई फोटो अपलोड करते हैं, तो उसको अपलोडिंग बोला जाता है, यानी हम इंटरनेट पर कोई चीज़ जो है डाल रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियाँ किस कारण होती हैं? तो जब हम डेटा प्रविष्ट करते हैं, डेटा इनपुट करते हैं, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम फॉल्ट हमको वहीं पर देखने को मिलती हैं। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग। तो कंप्यूटर में अगर सबसे कोई महत्वपूर्ण भाग है, तो आपका माइंड है, यानी ब्रेन है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। फाइव नंबर क्वेश्चन है, 1024 बाइट बराबर है, तो फोर्थ ऑप्शन इसमें राइट होगा, 1 KB के। सिक्स क्वेश्चन आपका है, एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? 16, 32, 4 एंड 8। एक निबल जो होता है आपका, वो 4 बिट के बराबर होता है, यानी थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर है। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? तो सबसे बड़ा यानी टॉप मोस्ट, जो प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग यानी और साइज के अकॉर्डिंग अगर कोई बड़ा कंप्यूटर है, तो आपका सुपर कंप्यूटर है, जो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में या रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में यूज़ किया जाता है। एट नंबर क्वेश्चन है, पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? इसको हम वार्म बटिंग कहते हैं, जिसमें आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नाइन नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? तो सिस्टम यूनिट का जो मेन भाग है वो सीपीयू है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। टेंथ नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ये जो आपका कंट्रोल यूनिट है, ये आपका सीपीयू के अंदर का पार्ट होता है, जो कंट्रोल यूनिट जो चीज़ें कंट्रोल करता है, जहाँ वो प्रोसेसिंग भी होती है। ये प्रोसेसिंग के अंदर एक मेन टाइप का बॉक्स होता है, जहाँ पर जो एएलयू और मेमोरी के बीच में कंट्रोलिंग का काम करता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, सीडी का आकार कैसा होता है? तो सीडी का आकार गोल होता है, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट होगा, प्रोग्राम। 13 नंबर क्वेश्चन है, डीटीपी का पूरा नाम, तो डीटीपी का पूरा नाम जो है, बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। 14 नंबर क्वेश्चन है, डॉस DOS का पूर्ण रूप क्या है? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका पूर्ण नाम है, जो MS-DOS के नाम से भी जाना जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से? समाकलित परिपथ चिप। जब हम कंप्यूटरों को लघु करने के लिए हमने मेमोरी यूज की, तो सबसे पहले हम लोग वैक्यूम ट्यूब का यूज़ कर रहे थे, जो हम 1946 के आसपास यूज़ कर रहे थे। उसके बाद हम 1917 में हमने ट्रांजिस्टर बनाया, जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ किया गया। थर्ड जनरेशन में आईसी का निर्माण हो चुका था, और हम अल्ट्रा लार्ज आईसीज का इस समय यूज़ कर रहे हैं, ULIC। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन, किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का रक्षाकार संचय कहलाता है? तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, श्रेणीबद्ध मॉडल। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? तो सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा, बग। जो आंकड़ों की त्रुटियां होती हैं, वो उन्हें बग बोला जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट होगा, प्रचालन तंत्र। 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रोलॉग भाषा विकसित हुई, तो ये आपकी 1972 में विकसित हुई, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, ब्लॉक शब्दों का संयोजन है, वे ब्लॉक, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर का वह भाग जिन्हें हम छू नहीं सकता, जिन्हें कोई छू नहीं सकता, तो कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम छू अथवा देख नहीं सकते, उनको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इसी के जस्ट अपोजिट है, अगर हम जिन्हें छू अथवा देख सकते हैं, उनको कंप्यूटर हार्डवेयर बोलते हैं। NTA नेट
यूपी ट्रिपल एससी के सारे एग्जाम, मंडी परिषद, चकबंदी लेखपाल और बहुत सारे एग्जाम, यूपी बीएड यहाँ से, और पीसीएस जैसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण वनडे एग्जाम्स हैं जहाँ पे ये कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। इसके अलावा ट्रिपल सी में भी इस टाइप के क्वेश्चन इस समय आ रहे हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।